स्वागत है आप सभी का नव भारती परिवार में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट कैसे निकालते हैं। हम पिछली वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन से हमने रूट्स निकाले थे, एक्स की वैल्यूज निकाली थी, दो वैल्यूज आती है फैक्टराइजेशन से। तो अब मैं आपको इस वीडियो में तीन मेथड बताऊंगी जिससे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स निकाल सकते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड है हमारे पास श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, या फिर मेथड भी बोल सकते हो साहब, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला या फिर मेथड आल्सो, इट कैन आल्सो बी कॉल्ड मेथड, ठीक है। थर्ड है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, थर्ड है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो ये तीन तरीके हैं जिनसे हम रूट्स निकाल सकते हैं किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। ये कौन कौन से मेथड है, फैक्टराइजेशन, श्रीधर आचार्य और परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ए एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर कितनी है टू, एक्स की पावर वन है, एक्स की पावर जीरो, ठीक है, इस तरह से होता है। एक्स टू द पावर टू, और ये ए बी सी क्या होंगे, ए बी सी आर इंटीजर्स, इधर यहाँ पे इस इक्वेशन में ए बी सी क्या होते हैं, ए बी सी आर इंटीजर्स, ठीक है। तो फैक्टराइज श्रीधराचार्य और परफेक्ट स्क्वायर मेथड किसके लिए होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए। रूट्स मतलब एक्स की क्या वैल्यू होगी जिसपे इक्वेशन सॉल्व हो, जिसपे इक्वेशन सॉल्व हो एक्स की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। देखो सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हम बोल सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहला मेथड है अपना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्यों कहा है, क्योंकि इसमें जो इसकी मिडिल टर्म होती है हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करके फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसकी मिडिल टर्म क्या है, बी एक्स। तो इस बी एक्स को हम स्प्लिट करके हम उसको फैक्टर्स बनाएंगे और रूट्स निकालेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। दो दो वैल्यूज आती है ना एक्स की लास्ट में सॉल्व करने के बाद। तो एग्जाम्पल लेते हैं अभी अपन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो, ये मैंने फैक्टराइज करने के लिए या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो देखो एग्जाम्पल है, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, यहाँ पे ए क्या है अपना वन, यहाँ पे कोई चीज नहीं है यानी कि वन है, और इसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्या है, ए माइनस थ्री क्या है, बी माइनस टेन क्या है, सी, ठीक है। तो अगर मैं ए बी सी बोलूँ तो आप समझ जाना, तो हमें ए जो है यानी कि वन और टेन को, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, टेन वनजा टेन, टेन वनजा टेन, ठीक है। यानी कि हमें ऐसे कोई दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो टेन आए, ठीक है, और माइनस करने पे क्या आए, थ्री। यहाँ माइनस का साइन है इसलिए मैंने माइनस बोला है, माइनस करने पे क्या आए, थ्री। तो उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने में कितना आना चाहिए, थ्री। तो ऐसे कौन से नंबर है, फाइव और टू, फाइव टू जर टेन होता है, फाइव टू जर टेन होता है, और फाइव माइनस टू कितना होता है, थ्री। तो दो नंबर्स मिल गए हमें, ठीक है। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तो फिर से इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। तो अब मैं क्या करूंगी, मिडिल टर्म की जगह पे मैं फाइव और टू प्लेस कर दूंगी, कैसे करूंगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री की जगह पे फाइव माइनस टू, बस थ्री की जगह पे मैंने चेंजेस लाए और किस जगह पे मैंने चेंजेस नहीं लाए, ठीक है, एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। उसके बाद एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो।
दो दो का पेयर बनाओ, कॉमन ले लो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, बचा क्या है, एक्स माइनस फाइव। इस एक्स माइनस फाइव को इधर वापस से कॉपी कर दो, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। अब इधर कौन सा नंबर चाहिए मुझे जो मैं इससे मल्टीप्लाई करूं और मुझे वापस से ये मिल जाए, टू प्लस का टू, देखो टू एक्स प्लस माइनस 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 का साइन आ गया यहाँ पे, टू फाइव जा टेन, ठीक है, इस तरह से देखते हैं। अब वापस से देखो क्या कॉमन है, एक्स माइनस फाइव कॉमन है, एक्स माइनस फाइव कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार में एक टर्म जीरो की डिवाइड में जाएगी, तो एक बार फर्स्ट केस ये ले लेंगे, फर्स्ट सेकंड केस ये ले लेंगे, तो x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो और x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या आ गया, फाइव, x की वैल्यू फाइव आ गई और इस वाले केस में x की वैल्यू आ गई माइनस टू। सो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर माइनस टू एंड फाइव, तो ये क्या है, इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो ये था अपना फैक्टराइजेशन मेथड जिससे कि हम रूट्स निकालते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है। इसके बाद हम करेंगे अब श्रीधराचार्य मेथड, तो एक और एग्जांपल ले लूंगी मैं इसका, रूट्स वाला, रूट मतलब ये वाले रूट नहीं, अंडर रूट वाला मैं एक और एग्जाम्पल लूंगी, क्योंकि इसमें अंडर रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो अंडर रूट में जब अगर आपकी टर्म आ रही है ए बी या सी की वैल्यू आ रही है तो आप उनको कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये मैं भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन रूट्स वाला, इसमें क्या करना है हमें, ए और सी के जो टर्म्स होती है उनके जो कोफिशियंट है उनको हम मल्टीप्लाई करके देखना है क्या आ रहा है। तो अगर मैं रूट टू मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय रूट टू करती हूँ, कितना आएगा, रूट टू कितना होता है, टू, टू फाइव से कितना होता है, टेन। यानी कि मुझे दो ऐसे दो नंबर चाहिए हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने में तो टेन आए, ठीक है, और प्लस करने पे सेवन आए, मल्टीप्लाई करने पे तो टेन आए और प्लस करने पे सेवन आए, दो क्या है, फाइव और टू, फाइव टू से टेन कितना, फाइव टू से टेन होता है और फाइव प्लस टू कितना होता है, सेवन। तो मैं सेवन को स्प्लिट करके फाइव प्लस टू करके लिख सकती हूँ, तो देखो कैसे करेंगे, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस टू, मैंने सेवन की जगह फाइव प्लस टू लिख दिया, बाकी सारा एज इट इज, अब एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल टू जीरो। इसमें से और इसमें से आप कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, बचा क्या, रूट टू प्लस रूट टू एक्स, रूट टू एक्स प्लस फाइव, इसमें इसमें एज इट इज यहाँ पे लिख दो, जो अपना ब्रैकेट में अगर आता है ना इसको एज इट इज थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ लिख देते हैं, इक्वल टू जीरो। अब मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसे मैं इससे मल्टीप्लाई करूं और हमें ये मिल जाए, तो वो क्या हुआ, टू रूट टू प्लस रूट टू, देखो कैसे, रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू, टू एक्स, रूट टू मल्टीप्लाई फाइव, फाइव रूट टू, ठीक है आ गया। तो अब इसे इसमें वापस से कॉमन ले लो तो क्या चलेगा, रूट टू एक्स प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब दो केसेस जाएंगे पहले की तरह ही, एक बार ये जीरो के साथ डिवाइड हो जाएगा, एक बार ये जीरो के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो दो केसेस जाएंगे, देखो कैसे, रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो और एक बार एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, तो क्या आंसर आएगा, देखो एक्स इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन रूट टू और एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू, ठीक है, माइनस फाइव अपॉन रूट टू और रूट टू, तो ये क्या होंगे, इसके एक्स ये वाली वैल्यू क्या होंगी, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये था अपना फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके रूट्स निकालते हैं, यानी कि एक्स की दो वैल्यूज निकालते हैं जो कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने में हमारे पास कुछ वैल्यू आ रही है, जैसे कि इक्वल टू जीरो क्यों क्यों है, ये एक्स की इन वैल्यूज पे ये इक्वल टू जीरो है, इसके कहने का यही होता है, ठीक है। तो ये इसकी हो गई रूट्स। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट मेथड श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है, उसको हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कहते हैं, अभी वो करते हैं अपन। अब देखो ये सेकंड मेथड है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो श्रीधराचार्य ने क्या फॉर्मूला दिया, एक्स की वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला दिया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। तो देखो अब इधर प्लस माइनस का क्या मतलब है, यानी कि इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं,
माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। एक बार तो बीच में प्लस आएगा और एक बार क्या आएगा माइनस, इसलिए दोनों साइन लगा दिए। इसका मतलब है कि एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा, यानी कि दो कंडीशन बनेंगी इस फॉर्मूले से। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमारे पास दो कंडीशन बनेंगी, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से दो कंडीशन, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों है, यानी कि दो कंडीशन होगी, एक बार प्लस की होगी एक बार माइनस की होगी। और ये जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी है वो क्या है हमारा डी। डी क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी को क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन टू ए, क्योंकि डी क्या होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अंडर रूट हटा दो, अंडर रूट हटा दो इसका, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसको कर लो और अंडर रूट इसको कर लो, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके रूट्स निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो हैव अ लुक। ये देखो श्रीधराचार्य का सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें मैं क्या करूंगी, देखो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसमें मैं क्या करूंगी ए बी और सी आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो ए क्या होगा एक्स स्क्वायर के पास वाला ए होगा, एक्स के पास वाला बी होगा, और सी क्या होगा जो कॉन्स्टेंट है जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है वो सी होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया, यहाँ पे हेयर ए इक्वल्स टू बी माइनस सिक्स है, माइनस ध्यान रखना माइनस सिक्स है और सिर्फ सिक्स नहीं है, और सी क्या होगा थ्री। सबसे पहले क्या निकालेंगे डी निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे डी निकाल लिया, डी निकाला आपने, तो डी कितना आया अपना ट्वेल्व। किस तरह से आया, हमने वैल्यूज प्लेस की, बी की वैल्यूज प्लेस की, ये बी है और ये सिक्स है, बी की वैल्यू क्या है माइनस सिक्स, तो सिक्स का स्क्वायर कितना होगा माइनस सिक्स का स्क्वायर कितना होगा थर्टी सिक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर 24, 36 में 24 कितना है 12। अब हम क्या करेंगे हमारा श्रीधराचार्य मेथड का फॉर्मूला जो है हमारा वो यूज करेंगे हम, वो क्या है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन टू ए। तो प्लस माइनस है तो दो कंडीशन होंगी, मैंने बताया था दो कंडीशन होंगी, देखो पहली कंडीशन ये है दूसरी कंडीशन ये है। पहली कंडीशन में हमने जो वैल्यूज प्लेस करी तो आंसर आया सिक्स प्लस अंडर रूट ट्वेल्व अपॉन फोर, इसमें आया सिक्स माइनस अंडर रूट ट्वेल्व अपॉन फोर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए दोनों रूट्स हो गए, और इन दोनों की वैल्यू कैसे, डी हमारा लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो है, तो रूट्स कैसे हो गए रियल और डिस्टिंक्ट। अब मैंने यहाँ पे ये चीज क्या लिखी है रियल और डिस्टिंक्ट, तो इसको समझने के लिए हम अब पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिएगा कि ये क्या हुआ हमारे एक्स, ये दोनों क्या हुआ हमारे इसके रूट्स हो गए, किसके रूट हो गए ये जो हमारी इक्वेशन है इसके रूट्स। अब आते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे, तो ये है नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहला केस देखो, तीन केसेस आएंगे इसमें, ये सारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे बेस्ड है, इसमें तीन केसेस आएंगे और सारे ही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो देखो जब डी की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, जब डी जो हम निकालेंगे डी कैसे निकालते हैं डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करके जब हम निकालते हैं, तो अगर डी की वैल्यू जीरो से ज्यादा आई, वन आ गई टू आ गई या कोई सी वैल्यू आ गई जो जीरो से ज्यादा है, तो रूट कैसे आएंगे, यानी कि रूट क्या है, तो एक्स की वैल्यू क्या है आएगी, एक्स की वैल्यू जो होगी दो 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 एक्स की वैल्यू आती है ना, दो चीज दो आती है एक्स की वैल्यू, तो दोनों आपस में अलग होंगी, विल बी डिस्टिंक्ट एंड रियल, यानी कि वो रियल नंबर होंगे और उन दोनों की वैल्यू एक दूसरे से अपोजिट होगी, एक दूसरे से अपोजिट होगी। ये केस कब का है, जब जीरो से ज्यादा होता है डी, तो क्या होगा रूट्स यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी आपस में अलग होगी और वो दोनों रियल नंबर्स होंगे। सेकेंड केस है हमारा जब डी की वैल्यू जीरो के इक्वल है, जब हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करके डी की वैल्यू निकालते हैं तो डी की वैल्यू फोर जीरो आती है। ठीक है, तो इस केस में एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू आपस में दोनों इक्वल होंगे, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल किया था उसमें माइनस वन और माइनस वन आ रहा था दोनों में, दोनों ही एक्स आ रहे थे माइनस वन, इसमें क्या था एक्स की वैल्यू दोनों की सेम है और रियल नंबर रहेंगे। थर्ड केस है जब डी की वैल्यू जीरो से कम होगी तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी रूट्स होंगे और ये रियल नहीं होंगे। ठीक है, अब एक मैं आपको एक इसका एग्जांपल कर दिखाती हूँ कि कैसे इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं। तो हैव अ लुक, इसी नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड पहले क्वेश्चन देखो, इसमें हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन्हें फाइंड भी करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ए इसमें क्या है ए वन है, बी भी वन है और सी भी वन है,
तो डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू वन, कितना आएगा वन माइनस फोर कितना आएगा माइनस थ्री, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस थ्री। अगर डी की वैल्यू इज लेस देन जीरो तो फिर कैसे रूट्स होंगे, देयरफॉर द रूट्स आर इमेजिनरी। हमारा लास्ट केस था ना ये वाला, तो रूट्स कैसे होंगे इमेजिनरी, यही अगर डी की वैल्यू जीरो से ज्यादा होती तो रूट्स कैसे होते रियल होते, और अगर इक्वल होती सॉरी डी की वैल्यू अगर जीरो होती तो कितने कैसे रूट्स होते इक्वल रूट्स होते, दोनों आपस में इक्वल होते। तो ये है इसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसके आगे हम अपना नेक्स्ट वाला मेथड पढ़ते हैं, वो है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो ये है थर्ड और लास्ट मेथड रूट फाइंड करने के लिए, क्या नाम है इसका, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, या फिर इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले इसके स्टेप बताऊंगी, स्टेप्स टू परफॉर्म दिस मेथड। इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए इन स्टेप्स को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये स्टेप्स याद नहीं रहेंगे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर दोनों ही मेथड से डिफिकल्ट कह सकते हो, अभी उन दोनों मेथड से कंपैरिजन में डिफिकल्ट है। तो इसको स्टेप्स को हमेशा याद रखना है कि पहले क्या होगा फिर क्या होगा, तभी आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर अच्छे से कर पाओगे, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप देखते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट बिकम्स वन, मतलब कि आपको एक्स स्क्वायर कोफिशियंट क्या बनाना है वन। जैसे कि मान लो थ्री एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है, आगे माइनस कोई भी इक्वेशन लिखी हुई, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल टू एक्स प्लस कुछ भी लिखा हुआ है इक्वल टू जीरो, तो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो आपको क्या करना है कि इस एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जीरो बनाना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा थ्री, इसके आगे जो नंबर लिखे हुए होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव जो भी नंबर है वो क्या होता है इसका कोफिशियंट होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अभी थ्री है, मुझे क्या बनाना है वन। पहले स्टेप में हमें क्या बनाना है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन विद दैट नंबर, उस इक्वेशन को डिवाइड करना है किससे जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थ्री, तो मैं क्या करूंगी एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड में इसको थ्री से डिवाइड कर दूंगी, जब तो थ्री से डिवाइड हो गए सारे नंबर तो ये तो फ्रैक्शन बन जाएगा, पर ये क्या हो जाएगा थ्री वन जा थ्री, तो इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो गया वन। इस तरह से करना है, ठीक है। सेकेंडली क्या करना है, टेक कॉन्स्टेंट ऑन कॉन्स्टेंट टर्म ऑन आर एच एस, कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओ। अब यहां जो टर्म लिखी हुई है फॉर एग्जाम्पल फाइव लिखी हुई है, तो इस टर्म को आप आर एच एस में ले जाओ, इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड में ले जाओ, आर एच एस में ले जाओ। सेकेंड स्टेप ये होगा। थर्ड स्टेप क्या होगा, एड वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ऑन आर एच एस एंड एल एच एस। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो क्या ऐड कर रहे हैं। अब मान लो ये तो इधर की साइड चला गया, फाइव तो दूसरी तरफ चला गया, फाइव दूसरी तरफ चला गया, मतलब मैंने कोई ऐसे ही इक्वेशन ले लिया मन से ही अपने, ठीक है, मन से ही अपने कोई इक्वेशन ले लिया मैंने, तो फाइव को मैंने सेकंड स्टेप में मैंने आरएचएस में भेज दिया, कॉन्स्टेंट टर्म को कॉन्स्टेंट होंगे और जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है, मैंने आरएचएस में भेज दिया इसको। थर्ड स्टेप क्या कर रहा है, मुझे ऐड कर रहा है दोनों साइड में, क्या ऐड करना है, हाफ मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है ये जो होगा इसका स्क्वायर टू अपॉन थ्री, हाफ मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर। मुझे इस साइड भी ऐड करना है और इस साइड भी ऐड करना है, डिफिकल्ट हो रहा है अभी, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाफ मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो हाफ और इसको, फिर उन दोनों का उसका स्क्वायर कर दो और आरएचएस और एलएचएस में इसको ऐड कर दो। फोर्थ स्टेप क्या है, ऑक्टेन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बन जाएगी इधर, आप देख लेना कैसे बन जाएगी। सॉल्व बोथ इक्वेशंस बोथ साइड्स म्यूचुअली, दोनों साइड्स हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं भी आपको एक कंप्लीटिंग का स्क्वायर या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड का मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ, उससे आपको सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे। पर क्वेश्चन करने से पहले इनको नोट जरूर कर लेना, इनको समझने बिना आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करते हैं, हैव अ लुक। तो ये है अपना क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड। सबसे पहला क्वेश्चन, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो,
तो ये हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे, तो मैंने साइड में स्टेप्स भी नोटिफाई करे हैं, तो इन स्टेप्स को देखते हुए और यूज करते हुए हम इसको इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप देखो, हमें कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें क्या बनाना है, वन बनाना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है उसे वन बनाना है, तो इसमें एक्स स्क्वायर क्या है, ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, टू। तो मैं इस इक्वेशन में किसे डिवाइड कर दूंगी, टू, क्योंकि जब टू टू से डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा, वन। तो एक्स स्क्वायर कोफिशियंट क्या बन जाएगा, वन। तो मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को आरएचएस से भी एलएचएस से भी टू से डिवाइड कर दूंगी, देखो। और अपॉन टू लिखा साइड में, ब्रैकेट में ये पूरी इक्वेशन लिखी है मैंने, टू को डिनोमिनेटर में लिखा है, क्यों, क्योंकि हम टू से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में जीरो अपॉन टू लिखा है, यानी कि टू से डिवाइड कर रहे हैं इसको आरएचएस में। अब देखो, जब इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया नीचे, तो क्या हुआ, टू टू से टू अपॉन टू क्या हुआ, वन हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बन गया, वन। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, मैंने साइड में भी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टेप नंबर वन टू थ्री इस तरह से लिख रही हूँ, ताकि हम ये देख लें कि कौन सा स्टेप कहाँ पे अप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को वन बनाने का। सेकेंड स्टेप क्या है कि हम कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाए, तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है इस इक्वेशन में, थ्री अपॉइंट टू है, थ्री अपॉइंट टू है, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो एक ऐसी टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म है, इसके पास एक्स एक्स वगैरह कोई वेरिएबल नहीं है, तो ऐसी टर्म है ये कॉन्स्टेंट टर्म। तो हमने इसको कैसे ले गए, आरएचएस में ले गए, और प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, तो सेकेंड स्टेप भी हो गया अपना कम्प्लीट, ठीक है। अब थर्ड स्टेप कॉम्प्लिकेटेड है, समझ लो ध्यान से। थर्ड स्टेप में क्या करना है, एड वन अपॉइंट टू, यानी कि हाफ हाफ मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, सेवन अपॉइंट टू, एक्स का आपने क्या रहा है, सेवन अपॉइंट टू, यानी कि हाफ में हम सेवन अपॉइंट टू मल्टीप्लाई करेंगे और उसका पूरा स्क्वायर कर देंगे और दोनों साइड से एड करना है। तो देखो, हाफ मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, सेवन अपॉइंट टू, इसका होल स्क्वायर एलएचएस में भी एड कर दिया, हाफ मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि सेवन अपॉइंट टू का होल स्क्वायर आरएचएस में भी एड कर दिया, तो हमारा थर्ड स्टेप भी हो गया कम्प्लीट, ठीक है। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे इसके बाद में, उससे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। सेवन वन का सेवन और सेवन का स्क्वायर कितना होता है, फोर्टी नाइन, ठीक है। टू टू जा फोर और फोर का स्क्वायर कितना होता है, सिक्सटीन, ऐसे ही इस साइड हो गया, बाकी सर एज इट इज आ गया, ठीक है। तो अपने वन टू और थ्री तीन स्टेप्स हम कर चुके हैं, अब फोर्थ स्टेप क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है, तो अभी हम करेंगे, देखो अब परफॉर्म करेंगे अपना फोर्थ स्टेप। तो उससे पहले देखो, लास्ट में ये इक्वेशन आई थी, ठीक है, ये इक्वेशन बनी थी लास्ट में अपने पास में, तो मैंने क्या किया, एलएचएस में जो ये लिखा हुआ था 49 अपॉन 16, मैंने इसको वापस से 7 अपॉन 4 का होल्स करना दिया, क्योंकि 7 7 से 49 और 4 4 से 16 होता है, तो मैंने इसको वापस 7 अपॉन 4 का होल्स करना दिया और आरएचएस वाले को ऐसे कैसे ऐसे फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या किया, फोर्थ स्टेप अप्लाई करेंगे, वो है यूज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो देखो कैसे यूज करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी करके टू हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आपने आइडेंटिटी बना लेंगे यहाँ पे, एक्स माइनस सेवन अपॉन फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर ले लिया एलसीएम, सिक्सटीन और टू का एलसीएम ले लिया, सिक्सटीन इधर एलसीएम ले लिया, सॉल्व करा इसको, कितना आया माइनस करके 25 अपॉन 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम रूट ले लेंगे, रूट्स ले लेंगे दोनों साइड, तो क्या होगा, ये भी अंडर रूट में आ जाएगा, ये भी अंडर रूट में आ जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, रूट ले लिया, इधर रूट ले लिया है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, रूट स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट हट जाएगा, इस वाली टर्म का रूट हट गया, ठीक है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, हट गया इधर, और इधर क्या हुआ, हमने स्क्वायर रूट ले लिया था, तो 25 किसका होता है, 5 का, और 16 किसका होता है, 4 का, 5.4 आ गया। अब इसके आगे प्लस माइनस के लगाया, जब भी ये रूट सॉल्व होता है तो हमें ये वैल्यू नहीं पता होती कि ये पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है, तो हम ये करते हैं दोनों केसेस ले लेंगे, प्लस वाला केस भी ले लेंगे, माइनस वाला केस भी ले लेंगे, बिल्कुल फैक्टराइजेशन, जैसे हमने पहले सॉल्व किए थे श्रीधराचार्य में भी दो केसेस लिए थे, फैक्टराइजेशन में नहीं, श्रीधराचार्य में दो केसेस लिए थे, वैसे ही इसमें दो केसेस ले लेंगे, एक प्लस वाले का एक माइनस वाले का, दो केसेस ले लिए, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे अपन, सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन अपॉइंट टू, और इस साइड पे कितनी आएगी, प्लस वन अपॉइंट टू, यानी कि एक साइड तो क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दूसरी साइड नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, रूट्स, कौन सी इक्वेशन थी जो हमने लिखी थी, जो हमने इक्वेशन थी उसके ये क्या हो गए, रूट्स, ठीक है। तो अपन ने इस वीडियो में पढ़ा तीनों मेथड्स, श्रीधराचार्य पढ़े, ये वाला पढ़ा, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, जिससे कि हम
रूट्स निकाल सकते हैं. ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट.